अनब्रेकिंग बिलीवेबल, यहाँ पे जरूर आना, जरूर एक बार यहाँ पर आना। अभी हम ना ही साउथ अफ्रीका में है और हम ना ही नामीबिया में है। पैसे तो दे दिए, अब अगर नहीं जाने दिया तो और बड़ा कटेगा। What the fuck were you doing? फ्यूल रेंज बोला 73 किलोमीटर। आपने क्या पाइप डाल के पी गए क्या? पानी की कमी पड़ गई थी क्या? 150 चला रहा था। 150 मैंने 180 देख के सो गया। मैंने कहा कि बस इससे सोना ही बेटर है भाई। गाड़ी रेंज बता रही है लगभग 15-20 किलोमीटर, इसलिए हम रुक गए फ्यूल के लिए। बहुत वरी हो रही थी फ्यूल मिलेगा कि नहीं, बट मिल गया थैंकफुली यहाँ पे। और फ्यूल प्राइस ऑलमोस्ट सेम है अक्रॉस साउथ अफ्रीका, तो रेगुलेटेड है ऑब्वियसली, अनलाइक यूरोप जिसकी जो मर्जी जो फ्यूल प्राइस डालनी जहाँ वो डाल देते हैं। बाय द वे माइलेजेस आई अराउंड 10 किलोमीटर पर लीटर, डीजल 50, डीजल 50 अनलेडेड, 95 मेटल फ्री, लो सल्फर डीजल। ये देखो ना कितनी क्लासी ओल्ड टाइप की डिजाइन है यहाँ पे, ओल्ड मीटर बट एक्चुअल वाला ये है ऊपर। हवा वैसे ही कम होती रहती है, पता नहीं इस राइट टायर में क्या हो गया, वापस भराने 27 थी अभी 34 भरानी पड़ रही है। दैट्स द आइडल। ये बंदा बड़ी काम का है, विंडशील्ड साफ करा है, ये अपना गगन ही है। जी हाँ, डू इट प्रॉपरली ब्रो, ठीक से कर चल। ये भगवान क्या जुलुम है। गाड़ी बंद कर देता हूँ, ये सब छोड़ो, ये लो। थैंक यू भैया, थैंक यू। चलो नहीं देने, अच्छा फ्री में कर देता है साफ। गजब ही रोड है और यहाँ पे गगन इज प्लांटिंग प्लांट्स, प्लांटिंग नहीं क्या बोलते, वाटरिंग प्लांट्स। आपके हाथ ऐसे कैसे हो गए? आप वन कर रहे थे या टू? भाई ये मिट्टी का कलर चढ़ गया। अब आपको चिप्स नहीं मिलने वाले, नो चिप्स फॉर यू। इसने ना अंदर वहाँ पे हाथ रब किया और वहीं पे पेशाब किया था, वही रब कर लिया वापस। फाइनली लंच ब्रेक हो ही गया है। क्या गजब रोड है यार, अनबिलीवेबल। और पूरी खाली है, मतलब चलो ड्रोन निकाल ही लेते हैं, बट व्हाट अ फ्रीकिंग अमेजिंग रोड यार, अनब्रेकिंग बिलीवेबल। यहाँ पे जरूर आना, जरूर एक बार यहाँ पर आना। साउथ अफ्रीका टू नामीबिया, बेसिकली केप टाउन टू नामीबिया। क्या रोड बना के चले गए ब्रिटिशर्स, सालो कमीनो कुत्तो, इंडिया में क्यों नहीं बनाई इतनी अच्छी रोड। इस रोड को इतना मतलब पसंद आया, ये रोड इतनी ज्यादा पसंद आई है कि इधर ही आगे पीछे कर रहे हैं हम लोग कब से, इमेजिन। नामीबिया में एंट्री चाहिए, करवा दूंगा, करवा दूंगा, करवा दूंगा। एकदम फेस ग्लो हो रहा है बिकॉज ऑफ द ब्यूटीफुल सनसेट विच इज हैपनिंग, टाइमलेस में तो देख ही लेना। गगन वहाँ पे गया पूछने की आपके पास कुछ खाने पीने के लिए, हमें भूख लग रही है, प्लीज हमें दे दो खाने के लिए, वी आर फ्रॉम इंडिया, वी आर हंग्री पीपल राइट नाउ, वी वांट सम फूड लाइक पाव भाजी, वड़ा पाव, एनीथिंग यू हैव प्लीज गिव मी। ये दिख रहा है नैम स्टिकर, मतलब नामीबिया, हमें जेड स्टिकर चाहिए फॉर साउथ अफ्रीका। अभी गगन ने झोल कर दिया, गाड़ी पे कोई स्टिकर भी करनी है तो हमें रोकेंगे, पूछेंगे कि भाई आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, गाड़ी का पेपर किधर है। और ये बंदी ना पीछे चली जाती है रेड फ्लैग करने, ये देखो अभी देखो फुल जोश से, चलो कमऑन कमऑन, ये बंदी को तो ऐसा जोश है, मैं ऐसे कुछ होना चाहिए आदमी, आई एम नॉट किडिंग, ये बंदी इतने जोश में, इसने हमारी, ओह सॉरी मैं बड़ी प्यार से देख रहा हूँ तो उसे पहले बता दे तो ऊपर से इफ़ यू नोटिस वन थिंग, इसने हमारी रियर व्यू मिरर पे भी रेड स्टिकर मार दिया। वो गाड़ी आई है ना जो ओपेल की, वो एस्कॉर्ट व्हीकल है, ताकि एक साइड से एस्कॉर्ट कर दे, अभी हमारे साइड को छोड़ेंगे।
बॉर्डर से जस्ट पहले एक शॉप है जहाँ पे मैं स्टिकर लेने की कोशिश कर रहा हूँ, जेड ए का स्टिकर, ताकि अंदर घुस सके हम नामीबिया में। मिल गया, तो अभी इसको यहाँ पे हम चिपकाने वाले हैं। उससे पहले साफ करना पड़ेगा। गगन इफ यू डू द ऑनर्स दैट विल बी रियली गुड। ओहो हो, ओहो हो, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक दीदी ने ना ये पर्चा, सॉरी पुलिस वाली ने ये पर्चा फाड़ के दे दिया, गाड़ी का नंबर इधर लिख दिया, फॉर्म 19 भी भरवा लिया हमसे। चलो इमिग्रेशन पे रुके, यहाँ पे स्टैम्प मार दिए इन लोगों ने, नामीबिया वालों ने। गाड़ी का पंगा है, अब गाड़ी के पास पासपोर्ट है नहीं, पता नहीं गाड़ी ऐसी क्यों है, पासपोर्ट नहीं बना के बैठी है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस अहेड, बिकॉज़ आपको लगता है अंदर एंट्री मिल जाएगी? मेरी बात सुनो, बताओ कहीं ऐसा तो नहीं नामीबिया जाने के लिए वीजा चाहिए इंडियन को? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इट्स वीजा ऑन अराइवल फॉर यूएस वाले। तो अपन सबसे बड़े चोहू होंगे यहाँ पे आने वाले। अपन नहीं, टॉक अबाउट योरसेल्फ, मैं तो सिर्फ आपकी जो बोल रहे उस पे मैं सुन के आ रहा हूँ चुपचाप। हालांकि मैंने आपको आज मोटिवेट किया कि आज ही चलो नामीबिया, कल मत करो वेट, बैठ के कुछ रिसर्च करते, लेकिन अब तो वो भी ऑप्शन नहीं है। लगने वाले हैं। पहली अड़चन, ऑलरेडी हमें वापस भेज दिया, तो गगन यहाँ से पूरा स्केप टाउन रिवर्स में चला के जाएंगे। एक्चुअली ना वो बोल रहा है कि आपको दो स्टैम्प चाहिए, एक स्टैम्प तो डाल दिया उसने व्हाइट पेपर पे जो पुलिस वाले ने दिया, एक और स्टैम्प है पुलिस वेरिफिकेशन होगी गाड़ी की। अब असली चीज अब है अग्नि परीक्षा। तो एक और स्टैम्प लग गया है। अभी हम ना ही साउथ अफ्रीका में है और हम ना ही नामीबिया में है, हम है बीच के धोबी के कुत्ते, ना घर के ना घाट के। फॉरेन व्हीकल है ना, तो उसका कुछ चार्ज देना पड़ता है एंट्री करने का, LC 300। गाड़ी का तो हो गया मामला, नहीं हुआ सुनो, पैसे तो दे दिए, अब अगर नहीं जाने दिया तो और बड़ा कटेगा। 2100 रुपए दिए हमने, और इनकी करेंसी कैसे स्ट्रॉन्ग है साउथ अफ्रीका से? इंडिया से कैसे स्ट्रॉन्ग है वो तो मैं समझ गया, इंडिया से कैसे स्ट्रॉन्ग है, सही सवाल पूछा आपने। गगन मुझे भी वो टॉर्च चाहिए जिसने देख के उसने पूरा स्कैन ही कर लिया। भाई ने पूरी गाड़ी चेक की, बोलता है कि आपकी गाड़ी में ये वाली लेंस क्यों है? आपकी लेंस के पूछा था, बोले आप ये घटिया सी टैमरॉन क्यों यूज करते हो, आप जी मास्टर क्यों नहीं यूज करते? इसने उससे पूछा, जस्ट किडिंग, उसने ऐसे गाड़ी वाड़ी देखी अंदर से लाइट वाइट मार के, सूटकेस वूटकेस कुछ खोला नहीं, बोलता है ओके हैप्पी जर्नी। गगन शॉक में, ऐसे कैसे छोड़ दिया भाई तुमने? मैं सोचा मैं ये अभी सारा सामान उतरवाएगा, स्कैन मारेगा, स्कैनिंग ही होता ना एक्सरे मशीन। लेकिन एक बात बताऊं गगन, अपना तो वैसे भी मामला सेट था, क्योंकि हमारा तो सब बैग में था ना प्रॉपरली, तो स्कैन कर लो जितना स्कैन करना है। और अभी ऑलमोस्ट क्लियर होने वाले हैं, गगन है ना जिंक्स कर रहा है बोल के, अरे मैं कैसे बिना स्टैम्प के कैसे निकल जाऊं, ये वो वा, 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 वा। किसी ने पेनल्टी नहीं दी तुम्हें, इतने स्लो क्यों चला रहे हो भाई? मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, क्लियर हो गए कि हम साला स्टैम्प नहीं है पासपोर्ट में अभी तक। तो अच्छी तो बात है, क्लियर तो हो गया ना, साउथ अफ्रीका ने एग्जिट बोल दिया, बोल दिया यू हैव एग्जिटेड ऑफ, ठीक है। तो आप खुश रहो अभी, किसका आइडिया था आज नामीबिया पहुंचने का? मॉर्निंग आइडिया था आपका था सर। हाँ एक दिन और टाइम पास करके क्या मतलब साउथ अफ्रीका से, वी आर डन विद दिस सिट। जाओगे साउथ अफ्रीका, लेफ्ट जाओगे तो कीता मसाला शॉप। गगन साउथ अफ्रीका 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर साउथ अफ्रीका, बैक साउथ अफ्रीका। अच्छा, मैंने कुछ नहीं मिला नामीबिया में। हाँ एक बात बताओ, छोटी सी बात, एडवेंचर करना चाहते हो सच में? सच में एडवेंचर करना चाहते हो? नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप कहीं से जाके प्लांट उखाड़ लो। देखा हमें कितनी सारी चीजें लिखी हुई थी, इनको प्लांट बड़े प्यारे हैं। नहीं नहीं, नामीबिया में लोग प्लांट की चोरी बहुत करते हैं, जैसे इंडिया में लोग पब्लिक प्रॉपर्टी चोरी करते हैं, रोड साइंस एंड ऑल, यहाँ पे लोग प्लांट चोरी करते हैं। वहाँ पे इमिग्रेशन में क्लियरली लिखा था, डोंट स्टील प्लांट, यू विल बी प्रोसिक्यूटेड। और गगन हो जाता आज तो मैं वीड वीड के प्लांट उठा के ले जाऊंगा इंडिया। एक्सप्लेन दिस, ड्रिंकिंग योगर्ट, इसको बेसिकली छाछ या लस्सी बोलते हैं। अच्छा माहौल बना के बैठे हैं ये लोग फ्यूल पंप पे, माहौल अच्छा है, माहौल अच्छा है जो भी बोलो, ठीक है। तो कुछ आइसक्रीम आपकी मिली क्या? नहीं, लैक्टोज फ्री, फ्री में लैक्टोज, कुछ खाने की चीज नहीं। लेकिन यहाँ पे ये लोग आइस बहुत बेचते हैं, समझ नहीं आ रहा आइस क्यों बेचते हैं इतनी सारी, आई मीन बेचते हैं। ये है नामीबिया का टॉयलेट, इतना साफ कैसे, ये गरीब देश में भी साफ है टॉयलेट। और बाय द वे जो आइस है ना यहाँ पे डाल के रखी है, तो मैं सोचा था पहले इनके पास फ्रिज नहीं होंगे सबके पास घर पे, बट ये तो इसके लिए रखते हैं। ये देखो फाइनली पहुंच गए हम होटल। कोई आया नहीं आज, अब मैसेज लीव कर दो, हम अकेले हैं पूरे रिजॉर्ट हमारा है आज।
हम पहुंच गए अपने रिजॉर्ट, आप बिलीव नहीं करोगे। अभी ये इसने खोला है इसे रिसेप्शन को, रिसेप्शन बंद था और हमने जो एंट्री की उसमें कोई आया ही नहीं एक दिन से। तो आई थिंक वी आर द एक्सक्लूसिव गेस्ट हु हैव कम, पता नहीं यहाँ पे क्या बकचोदी चल रही है, हम मतलब हम ही से है यहाँ पे और कोई है भी नहीं आज गेस्ट। तो अभी यहाँ पे खोला, लाइट ऑन किया, अब जो सिक्योरिटी वाला बंदा आके बोलता है कि कुछ खाओगे आप लोग क्या रेस्टोरेंट में। मैं गगन को पूछता हूँ कि भाई कितने बजे बंद होता है रेस्टोरेंट, गगन बोलता है वो तो बंद ही है, वो जा रहा है खुलाने रेस्टोरेंट को। सबसे पहले करेंगे डिनर क्योंकि आज बहुत कचरा ही खाया जो मैं भी फेंकने वाला हूँ, चिप्स विप्स एंड ऑल दैट स्टफ। एंड आपको एक रिवर की आवाज आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे सुबह को जो सुंदरता दिखने वाली यू पेड़ से, मुझे डर लगता है रात को यार। ये तो काफी कूल रेस्टोरेंट लग रहा है। ओहो, यहाँ से जाओ। Oh my God, they have a blown pool as well. वंडरफुल यार, ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था नामीबिया में घुसते ये सब अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। अरे डस्टबिन में डालना है चीजें। नाइस, यहाँ पे लेफ्ट में बार है, यहाँ पे आग वाग लगा देते हैं, अच्छा माहौल बना के बैठे हुए हैं। गगन तो भाग गया, पता नहीं इसको क्या जल्दी रहती है, ही इज इन अ हरी। आई थिंक रेस्टोरेंट क्लोज करने वाले हैं तो जल्दी से ऑर्डर करते हैं चिकन टिक्का मसाला, बटर चिकन और मसाला पापड़, सपने में मिलने वाली ये सब चीजें। लेट्स गो, व्हाट हैपेंड? 10 मिनट पहले बुकिंग नहीं करे होते ना, हाँ सीधा बुकिंग करके आ गए होते ना, इनकी लाइटें चालू नहीं हुई होती। क्यों? अपन अकेले ही तो हैं। अच्छा तो एक काम करो, आप ऑर्डर कर लो एक मसाला पापड़ मेरे लिए और दाल बाटी चूरमा। दिस इज इवन मोर एक्सक्लूसिव देन द मोस्ट एक्सक्लूसिव इवेंट एवर। अपने लिए पूरा रेस्टोरेंट खोल दिया, पूरा रेस्टोरेंट खोल दिया, बोले कि ये देखो इंडिया से दो टॉप नॉच इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं। उसने ना एक फोटो है उसके रिसेप्शन पे बहुत बड़ी, उसमें सारे दिखते हैं कौन सा कॉटेज का है, तो उसने बोला दिस इज योर कॉटेज द लास्ट वन टुवर्ड्स दिस रोड। ये वो मैं कहा एनीवन एल्स इज लिविंग एट द कॉटेजेस, बोले नो नो सो द ओनली योर कॉटेज हैज लाइट्स, मैं कहा अदरवाइज वी कैन स्लीप इन एनी। तो ऐसे लग गई जोर जोर से, सालो एक ये तुम्हारा उसमें भी बताई गाने में, दैट्स अ नंबर वन है। ये बंदा आया है डिफेंडर 90 में, ठीक है। अब डिफेंडर 90 में थोड़ी कुछ जगह मिलती है जिसकी वजह से इसको ऊपर पूरा सामान रख के आना पड़ रहा है। मिल्की वे दिख रहा है, आई डोंट नो इस कैमरा में कितना दिखेगा, बट ओ माय गॉड सच क्लियर स्काइज, इंडस्ट्रियलाइजेशन नेवर हिट इट हियर। आवाज आ रही है रिवर की, ये ऑरेंज रिवर है, अभी तो कोई दिखेगा नहीं अंधेरे में। हमारी गाड़ी वहां पर पार्क्ड है, ये रही सामने डिफेंडर के बाजू में, ये है हमारा शैले, आई थिंक इट्स कॉल्ड शैले, शैले ही है ना, रूम छोटा सा प्यारा सा है। ये देखो ये रहा रूम, पंखा एसी तो हीटर ऑन करेंगे, ठंड तो हो रही है, ऊपर से खुला हुआ है। तो ये वॉशरूम है, अगेन बहुत ही नैरो सा वॉशरूम है, बट इट्स ओपन फ्रॉम द टॉप। दरवाजा बंद होता है क्या? हाँ होता है, दैट्स रियली नाइस। चलो फ्रेशन अप होते हैं, सो जाते हैं, थक गए, कल तो धूम टू करना है। यहाँ पे गीजर लगा हुआ है, ठीक है, ये गीजर, अभी आप देखना मैं इसको चालू करूंगा ना तो ये देखना क्या होता है। फुल ऑन लाइव, ये पूरे गांव के बीच में स्पार मिल गया। गगन बात करने गया है वो बंदे से कि क्या मजबूरी आ गई कि आपको इंडिका चलानी पड़ रही है भाई। जॉनी भाई आज क्लीनिंग द विंडस्क्रीन, बाय द वे ऐसे लगता है किसी ने अपने घर पे पंप लगा दिया है।